को ले जा। प्यार पाने के लिए तुम्हें नामुमकिन को मुमकिन करना होगा और इस काम में मैं तुम्हारे साथ हूं। वाह, हम जीत गए। अरे मोजड़ी रख, मुहूर्त का टाइम हो गया है, चल जा जल्दी जाके ऊपर बैठ। अब दूसरे जोड़े को बुलाइए। पंडित जी, मैं दुल्हन को लेकर आती हूँ। दामिनी, मुहूर्त का समय हो गया है, जा जाकर सोनल को ले आओ। मेरी बेटी मंडप में नहीं आएगी। वो ऐसा क्या हुआ? ये बात मैं सिर्फ हेतल से करूंगी। देखिए, जो कुछ भी करना है जल्दी कीजिए, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है। ठाकुर जी, ये लोगों को ये तमाशा अभी करना था? नौटंकी बास कहीं के। तुम लोग जरा बाहर जाओ। अच्छे दामिनी, बोलना। हितल, तने बराबर खबर छे ने? सोनल मेरी इकलौती दिख रही है। उसकी खुशी उसके माँ बाप के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। और मैं अपनी बेटी को जिंदगी भर रोने की सजा नहीं सुना सकती, हरगिज नहीं। क्या हुआ? दामिनी हेतल से कुछ बात करना चाह रही थी। देखिए, जो भी व्यवधान है उसको जल्दी दूर कीजिए, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है। मोटा भाई, आपने सुना पंडित जी ने क्या कहा? अगर शुभ मुहूर्त निकल जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप समझ रहे हैं ना? क्यों मुहूर्त के बीच में चले जाना और बातचीत, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं देखता हूँ। मैं भी चल रही हूँ।
भगवान ने एक और मौका दिया है आपको। अनीता के बारे में एक बार फिर सोचो। एक मिनट दामिनी, बात क्या है? तू ये सब क्या बोले जा रही है? साफ साफ बता ना बात क्या है। तो साफ साफ सुन, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी के साथ नहीं कर सकती जिसकी जिंदगी में पहले कोई दूसरी हो। एक मिनट दामिनी, ये तुम क्या बोल रही हो? भाभी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, ऐसे लोगों के साथ रिश्ता नहीं जोड़ा जाता है। लेकिन मेरी बात आपने सुनी ही नहीं। कोकिला बेन, आप तो उल्टा हम पर इल्जाम लगा रही हैं। अब मेरी समझ में आ रहा है कि आप लोगों को लगन की इतनी उतावल क्यों थी। तो इस बात का है सर कि अगर ऐसी कोई बात थी तो जिगर को साफ साफ बता देना चाहिए था। पर दामिनी आंटी, मेरे यकीन कीजिए, ऐसी कोई बात है ही नहीं। बस जिगर, बस ये सुनी सुनाई बातें नहीं है। तुम्हारे और राशि के बीच में जो चल रहा है वो मैंने और सोनल ने अपनी आंखों से देखा है। राशि मेरी अच्छी दोस्त है, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी एक बार हो सकती है, दो बार हो सकती है, बार बार नहीं। और वो भी लगन मंडप में बैठने के बिल्कुल पहले। आरोप नहीं मानता। अगर आप ये बात इतना जोर देकर कह रहे हैं तो वो सब क्या था जो मैंने अपनी आंखों से देखा? कल रात जब मैंने आपको फोन किया तो आप राशि के साथ घर के बाहर क्या कर रहे थे? आप दोनों इतने बिजी थे कि आपने मेरा फोन तक नहीं लिया। लेकिन उस वक्त राशि, सोनल, तू किस तरह के इल्जाम लगा रही है मेरी दिक्री पर? मम्मी, बेटा नहीं, बिगड़ नहीं रोते। बाहरे बड़े लोगों के नाटक, अरे हम गरीब हुए तो क्या हमारी कोई इज्जत नहीं? जो मुंह में आए बोले जा रहे हैं। हेतल, तू चुप क्यों खड़ी है? पूछ अपने बेटे से सच्चाई क्या है। सच्चाई? अगर यही होती तो मेरे बेटे ने मुझे बता दिया होता। दामिनी, मेरा बेटा सिर्फ अपनी माँ की नहीं बल्कि सभी औरतों की इज्जत करता है। मुझे अपने बच्चे पर पूरा भरोसा है। क्यों ना हो, आखिर तुम्हारा बेटा है। दामिनी आंटी, प्लीज। मैं अपनी माँ का भरोसा कभी नहीं तोड़ सकता। और सोनल, पूछे इसे, अगर इसके दिल में कोई शक था, कोई कांटा चुभा था तो ये क्या सोचकर अब तक चुप बैठी थी? इसे पूरा हक था कि ये मुझसे आकर पूछती, मुझसे सवाल करती कि सच क्या है। एक लड़की अपनी पूरी जिंदगी एक आदमी के साथ बिताने जा रही है, उसे 100% हक है ये जानने का कि सच क्या है।
जो रिश्ते शक की बुनियाद पर खड़े होते हैं उन्हें बिखरते देर नहीं लगती। अच्छा अच्छा है तुमने अपने मुंह से वही बात कह दी जो हम कहना चाहते थे। हितल, अब ये बात यहाँ खत्म होती है। ये लगन नहीं होगा। चलो सोनल, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।